फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना चल रहा है और इस महीने में कोरोना वायरस के कहर से पूरा देश परेशान है। इस बीच सरकार से आम जनता के लिए राहत की खबर मिली है। आइए 10 पॉइंट में जानते हैं कुछ राहत की बातें। अगले 3 महीने के लिए एटीएम से कैश निकालना फ्री कर दिया जाएगा। मतलब ये कि अगर आप किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकालते हैं तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इसके साथ ही मिनिमम बैलेंस का झंझट भी खत्म हो गया है। मतलब बैंक अकाउंट में कैश रखने की जरूरत नहीं है। डिजिटल ट्रेड के लिए बैंक चार्जेस को हटा दिया गया है। इसका मकसद डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना है। सरकार ने आधार पैन लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दी है। अब तक ये डेडलाइन 31 मार्च थी। कहने का मतलब ये है कि आप 30 जून 2020 तक आधार और पैन की लिंकिंग करा सकते हैं। विवाद से विश्वास स्कीम को भी अब 30 जून तक कर दिया गया है। 31 मार्च के बाद 30 जून तक कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। बता दें कि विवाद से विश्वास का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है जिनकी टैक्स देनदारी को लेकर कई तरह का विवाद है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। अब तक इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2020 थी। अब नई डेडलाइन पर लेट पेमेंट्स के लिए ब्याज दर को 12% से घटाकर 9% कर दिया गया है। हालांकि TDS डिपॉजिट के लिए डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन 30 जून 2020 तक देर से भरे गए DDS के लिए ब्याज दर को घटाकर 9% कर दिया गया है। बता दें कि वर्तमान में ये दर 18% है। GST फाइलिंग को लेकर भी सरकार ने राहत दी है। दरअसल मार्च, अप्रैल और मई के लिए GST रिटर्न भरने के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है। वहीं 5 करोड़ रुपए से कम सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए लेट GST रिटर्न भरने पर कोई ब्याज, लेट फीस और पेनल्टी नहीं लगेगी। इससे ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों पर पहले 15 दिन के लिए कोई लेट फीस और पेनल्टी नहीं लगेगी। हालांकि 15 दिन के बाद उनके लिए ब्याज, पेनल्टी या फिर लेट फीस 9% की दर पर होगी। उसके अलावा कंपोजिशन स्कीम का लाभ लेने के लिए भी डेडलाइन 30 जून 2020 कर दी गई है। कॉर्पोरेट को राहत देते हुए ये कहा गया है कि बोर्ड बैठक 7 दिनों के लिए टाला जा सकता है। ये राहत फिलहाल अगले तिमाही के लिए है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों की मदद के लिए सरकार जल्द ही आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि देरी नहीं होगी, पैकेज की घोषणा जल्द ही की जाएगी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।